अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको ये खूबसूरत सा स्वेटर का डिज़ाइन बनाना सिखाऊंगी। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी। मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और बेल आइकॉन को ऑन करना ना भूलें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलें तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस तरह ऊन लेके चेन बनाना शुरू करनी है। फर्स्ट चेन लॉक लगा देना है। फर्स्ट चेन को इस तरीके से बना के और फोर चेन काउंट करके जितनी लंबी चेन चाहिए आपको उतनी बना ले। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 इसी तरह 4 चेन से जितनी लंबी चेन ये चाहिए उतनी बना लेंगे। चेन वन बनाएंगे और नेक्स्ट चेन में एक सिंगल क्रोशिया इस तरह से, फिर इसको इस तरीके से रैप करना है और काउंट करना शुरू करना है। 1 2 3 3 चेन स्किप करनी है और फोर्थ चेन में एक डबल क्रोशिया बनाना इस तरह। अब इसी सेम चेन में हम 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 ये वाला, 2 3 4 5 5 डबल क्रोशिया बना के अब चेन 2 बनानी है और फिर से सेम चेन में डबल क्रोशिया 5 डबल क्रोशिया बनाने। 2 3 4 5। अब टोटल एक ही चेन में हमने 10 डबल क्रोशिया बना लिए हैं, 10 डबल क्रोशिया बनाए हैं। दरमियान में सिर्फ सेंटर लेने के लिए इसके 2 चेन बनाए हैं। अब हमने फिर से 3 चेन स्किप करनी है और 4 चेन में दोबारा से सिंगल क्रोशिया बनाना है। 1 2 3 1 ये वाली है, 1 2 3 और फोर्थ चेन में एक सिंगल क्रोशिया बनाना है इस तरीके से बनाएंगे तो ये इस तरह से ये ऐसे बन जाएगा। अब फिर से इसको रैप करना है और 3 चेन स्किप करनी है। 1 2 3 और फोर्थ चेन में फिर से 5 डबल क्रोशिया, 2 चेन और 5 डबल क्रोशिया। ये इसी तरीके से राउंड के एंड तक ये इसी तरह बनेगा। अब इस तरीके से ये राउंड कंप्लीट हो गया। अब चेन 1 बनाएंगे और इसको टर्न कर लेंगे। टर्न करने के बाद ये जो हमने 5 डबल क्रोशिया बनाए हैं ये वाले, इनके इस तरीके से फ्रंट से लेना है हमने ये इस तरह से। ये जो हमने डबल क्रोशिया बनाया है इसको इस तरह फ्रंट से ले के एक सिंगल क्रोशिया इस तरह, हर एक डबल क्रोशिया पे इस तरीके से फ्रंट से ले के इस तरह सिंगल क्रोशिया राउंड के एंड तक ये 1 2 3 4 5 5 डबल क्रोशिया बना के फिर से चेन 2 1 2 सेंटर में जिस तरह चेन 2 है उसी तरह चेन 2 जाएगी और फिर से इस साइड वाले डबल क्रोशिया से इसी तरह फ्रंट से इस तरह से लेना है। 1 2 3 4 5 5 डबल क्रोशिया इस तरह से फ्रंट से बनाने के बाद ये इस तरह से हो जाएगा। फ्रंट इसका इस तरीके से ये इस तरह इसकी लुक हो जाएगी। ये बैक पे हमने बना दिया।
अब हमने ये जो सेंटर में डबल सिंगल क्रोशिया बनाया है, इधर से सेम इसी तरह सिंगल क्रोशिया के ऊपर सिंगल क्रोशिया इस तरह सिंपल बनाना है। फिर से चेन टू और फिर उसी तरह ये राउंड के एंड तक इसी तरह ये इसी तरह बनाएंगे। इस तरह से कलर चेंज करके चेन वन बनानी है और इसको टर्न कर लेना है। इन दोनों को पुल करके यहाँ से इसको थोड़ा सा टाइट कर लेना है और चेन और सेम स्टिच में एक डबल क्रोशिया बनाना है और चेन थ्री, 1 2 3। चेन थ्री बनाने के बाद ये जो इसका सेंटर वाला हिस्सा है, ये फ्रंट वाला नहीं लेना है, हमने बैक वाला लेना है। बैक वाले में एक सिंगल क्रोशिया, फिर से चेन थ्री और इसकी इस हिस्से में जहाँ पे हमने ये सिंगल क्रोशिया बनाया है इसकी इस स्पेस में हमने एक डबल क्रोशिया बनाना है। चेन टू और फिर सेम स्टिच में एक और डबल क्रोशिया बनाना है। तो ये इस तरीके से ये इस तरह बन जाएगा। फिर से चेन थ्री, 1 2 3 और सेंटर वाला फ्रंट वाला नहीं लेना है, बैक वाले से एक उसके स्पेस में एक सिंगल क्रोशिया, फिर से चेन थ्री और इसके सेंटर वाले डबल क्रोशिया में फिर से हमने उसी तरह बनाना है डबल क्रोशिया, चेन टू डबल क्रोशिया। इसी तरह पूरा राउंड राउंड के एंड तक ये इसी तरीके से चलेगा। अब इस तरीके से ये वाला राउंड कंप्लीट हो गया। अब चेन वन बना के सेम स्टिच में एक डबल क्रोशिया फिर से बना लेना है। इस तरह और चेन वन बना के इसको टर्न करना है, चेन वन और चेन टू, टू चेन बना के ये जो हमने इस तरीके से ये बनाया है इसके इस साइड से एक सिंगल क्रोशिया। अब चेन थ्री, 1 2 3 और ये जो सेंटर वाला हिस्सा हमने बनाया है इसमें एक सिंगल क्रोशिया, फिर से चेन थ्री, 1 2 3। अब हमने ये वाला हिस्सा जो बनाया था इसके एक इस साइड से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और फिर से चेन टू बनाएंगे, 1 2 और फिर इसकी एक इसकी दूसरी साइड से सिंगल क्रोशिया और चेन थ्री और सेम चेन में सिंगल क्रोशिया में सेम 1 2 3। फिर से देख लें ये इस वाले हिस्से के इस हिस्से से सिंगल क्रोशिया, चेन टू और फिर इस साइड से सिंगल क्रोशिया और फिर से चेन थ्री। ये राउंड के एंड तक ये इसी तरह चलेगा। अब ये वाला राउंड कंप्लीट हो गया है। अब हमने चेन थ्री बनानी है, 1 2 3 चेन थ्री बनानी है। अब चेन थ्री बना के सॉरी चेन फोर बनानी है हमने इस साइड से। चेन फोर बना के इसके ये जो सेंटर वाला स्पेस है ये वाला, ये जो चेन टू बनाई थी हमने, इधर हमने 5 डबल क्रोशिया बनाने हैं, 1 2 3 4 5 5 डबल क्रोशिया बनाने के बाद ये इसकी बैक साइड है और ये इसका जो फ्रंट साइड है ये वाला, इस पे नहीं हमने ये सिंगल क्रोशिया बनाना है। अब हमने ये जो इसके फ्रंट वाले की ये टू चेन वाली स्पेस है इधर हमने एक सिंगल क्रोशिया इस तरीके से सिंगल क्रोशिया बना लेना है। तो ये इस तरह ये हाफ ये वाला जो हमने ये 5 डबल क्रोशिया और 2 चेन और 5 डबल क्रोशिया बनाया है तो इसका ये हाफ हिस्सा हमने इधर बना लिया। अब हमने दोबारा से ये जो अब ये जो दरमियान में हमने ये वाला हिस्सा बनाया है इसकी ये बैक है और ये फ्रंट वाला हिस्सा है टू टू चेन का जो हमने अभी बैक वाला बनाया है। तो
अब हम इस वाले को छोड़ देंगे और इसके इस फ्रंट वाले हिस्से से 5 डबल क्रोशिया, 2 चेन और 5 डबल क्रोशिया इधर बनाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 2 चेन और 5 डबल क्रोशिया। इस तरीके से ये वाला हिस्सा अब यहाँ पे बन गया। अब हमने फिर से ये बनाने के बाद ये फ्रंट वाले की ये जो दो चेन वाली स्पेस है, इस स्पेस में हमने एक सिंगल क्रोशिया इस तरीके से बनाना है। तो ये डिज़ाइन हमारा इस तरीके से ये ऐसे बन जाएगा। ये किसी भी स्वेटर पे आप ये वाला डिज़ाइन डाल सकते हैं। अब फिर से हमने इसको इसके ऊपर रैप करना है और ये इसको बैक वाले को छोड़ देना है और फ्रंट वाले हिस्से से फिर से हमने इसी तरह सेम यही बनाना है, 5 डबल क्रोशिया, 2 चेन और 5 डबल क्रोशिया। ये राउंड के एंड तक इसी तरह चलेगा। अब ये वाला राउंड इस तरीके से ये कंप्लीट हो गया है। तो इसकी लुक इस तरह से आ रही है और बाकी के राउंड भी सेम इसी तरह चलेंगे। इसका हम लास्ट में ये जो ये वाला चेन है इस पे हम ये डबल क्रोशिया इस तरीके से बना लेंगे और चेन वन बना के फिर से इसको टर्न करना और सेम जैसे हमने ये पीछे वाला किया था कि बैक साइड से हमने हर एक डबल क्रोशिया पे इस तरह से सिंगल क्रोशिया बनाना है। सेम ये जो हमने नीचे आपको पहले बताया था उसी तरीके से ये हर एक डबल क्रोशिए पे एक एक सिंगल क्रोशिया इस तरह फ्रंट पोस्ट से लेके बनाते जाना है। और सेम वो इसी तरह फ्रंट और बैक जैसे कि इस वाले हिस्से का हमने बनाया था इस तरह से सेम इसका भी उसी तरह बनाना है और फिर उधर से नेक्स्ट इधर आके फिर से ये वाला कलर चेंज कर लेना है। और इस तरह ये हमारा डिज़ाइन टू कलर्स में खूबसूरत सा डिज़ाइन तैयार हो जाएगा। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और बेल आइकन को ज़रूर ऑन कर दें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।